नमस्कार, मैं सुयश और मेरे को होस्ट सौरभ, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका इस शो पर स्वागत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कोई भी माता पिता या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखे। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें उसने यह बताया कि अगर आपने अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी इस शर्त पर ट्रांसफर करी है कि बाद में वह आपकी जरूरतों का ख्याल रखेंगे और बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के बाद वह आपको या आपकी जरूरतों को इग्नोर या नजरअंदाज करने लगते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन यह सब जानने से पहले सभी माता पिताओं और सीनियर सिटीजन्स को हम यह बताना चाहते हैं कि वह बेबस नहीं है और उनके फेवर में एक बहुत ही सशक्त कानून है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स एंड पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया है। यह कानून का हमारी सरकारें काफी प्रचार प्रसार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका फिर भी बहुत कम उपयोग होता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता। लेकिन सीनियर सिटीजन एक्ट की कोर्ट कोई आम कोर्ट नहीं है, यह एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है जिसकी अध्यक्षता एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करता है। यह आम कोर्ट में नहीं होती है और इसमें फैसला काफी जल्दी आ जाता है आम कोर्ट्स के कंपैरिजन में। इसमें ऐसे भी प्रावधान है जिससे आप अपने बच्चों को उनकी जिम्मेदारी का ना केवल एहसास दिला सकते हैं, बल्कि उनसे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेकर उनको फोर्स कर सकते हैं कि वह आपका ख्याल रखें। इस कानून में जो भी आदेश पारित होता है वह बाइंडिंग होता है, बाध्य होता है, और कोई भी अगर इसके आदेश को नहीं मान रहा है तो उस पर सीनियर सिटीजन्स ट्राइब्यूनल क्रिमिनल कार्यवाही तक कर सकती है, जेल तक जाने की नौबत आ सकती है। वैसे तो इस कानून में बहुत सारे प्रावधान है, लेकिन आज के शो का विषय प्रॉपर्टी ट्रांसफर और मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है। बेसिकली इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने 5 ऐसे तरीके बताए जिनसे माता पिता और सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को एंड इवन अन्य किसी को भी करे हुए प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द या कैंसिल करा सकते हैं। यह तरीकों का बेनिफिट आप सीनियर सिटीजन्स एक्ट के सेक्शन 23 का आवेदन लगाकर ले सकते हैं। तो सौरभ, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि यह कौन कौन से 5 तरीके हैं? जी सुयश, इसमें सबसे पहला तरीका है सेक्शन 23 का आवेदन इस आधार पर लगाना कि आपके बच्चे ने आपको धोखा दिया है। उसने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने से पहले तो ऐसी पिक्चर दी कि वह आपका बहुत ख्याल रखेगा और ट्रांसफर होने के बाद वह आपको भूल जाता है। ऐसी सूरत में ट्रिब्यूनल प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द घोषित कर वो प्रॉपर्टी आपको वापस दे सकती है। दूसरा तरीका है अपने आवेदन में यह बताना कि आपसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किसी प्रकार का दबाव डालकर करवाया गया है। अगर आपको डरा धमका कर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए मजबूर किया गया है तो ये अपने आप में उस ट्रांसफर को रद्द कराने का आधार बन सकता है। इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कानून आपके ही पक्ष में है। कोई डरा धमका कर अगर आपसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा भी रहा है तो ये ट्रिब्यूनल में जाके रद्द हो सकता है। तीसरा तरीका है ट्रिब्यूनल को बताना कि आपसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके करवाया गया है। इसको कानूनी भाषा में अनड्यू इन्फ्लुएंस भी बोलते हैं। आपको अगर ऐसी पिक्चर दिखाई गई है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं किया तो कोई अनहोनी हो जाएगी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद बच्चे आपका पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन अगर बाद में इसका विपरीत होता है तो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी एक आधार बनाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द करवा सकते हैं। चौथा तरीका है कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर अपने बच्चे को किया है अगर उसमें से कोई रेंट या किराया आता है तो भी आप सेक्शन 23 में आवेदन के जरिए उस पर भी अपना हक जमा सकते हैं और किराया पा सकते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट तरीका जो कोर्ट ने बताया वह यह है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर को करें या ना करें, आप जब चाहे तब अपने बच्चों से मेंटेनेंस राशि मांग सकते हैं। मेंटेनेंस का मतलब होता है माता पिता का ख्याल रखना, उनकी खाने पीने, घूमने फिरने, कपड़े और अच्छे इलाज की व्यवस्था जैसी जरूरतों को पूरा करना। पहले यह मेंटेनेंस CRPC के अंतर्गत दिया जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, इसलिए यह नया प्रावधान सीनियर सिटीजन एक्ट में
लाया गया है। तो सुयश, यह तो बात हो गई इन 5 तरीकों की, इसके अलावा आप क्या ऐड करना चाहते हैं इस डिस्कशन में? जी सौरभ, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये 5 पॉइंट्स बताए जो मद्रास हाई कोर्ट ने बताए थे, एंड एज आई सेड अर्लियर, यह बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि इसमें इन 5 तरीकों को तो बताया ही गया है, इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन एक्ट के और भी कई पहलू डिस्कस करे हैं। हालांकि उसमें से कई पॉइंट्स हम अपने आगे के शो में भी डिस्कस करेंगे, बट कमिंग बैक टू द इशू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर एंड सेक्शन 23, हाई कोर्ट का इस केस में यह भी कहना पड़ा कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है और आप अपने सेल डीड में या किसी अग्रीमेंट में यह नहीं लिखवा पाए हैं, भूल गए हैं कि बच्चे आपका ख्याल रखेंगे, अगर ऐसी कोई चीज नहीं भी लिखी है सेल डीड में या अग्रीमेंट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट का कहना पड़ा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई अपने माता पिता या सीनियर सिटीजन को धोखा देकर गलत कागजों पर उनके साइन करा लेता है, इसलिए अगर लिखित में भी कोई अग्रीमेंट नहीं है टू दिस इफेक्ट तो भी कोई बात नहीं। अगर केस के फैक्ट्स को देखकर ये लग रहा है ट्राइब्यूनल को कि माता पिता को गुमराह करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई है, तो आपका सेक्शन 23 का आवेदन बिल्कुल वैलिड रहेगा और ट्राइब्यूनल ऐसे ट्रांसफर को बिल्कुल रद्द घोषित कर देगी। सुयश, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इसमें यह भी ऐड करना चाहूंगा कि ख्याल रखने का क्या मतलब होता है। कोई यह भी तो बोल सकता है कि हम 5,000 या 10,000 रुपए हर महीने अपने माता पिता को दे रहे हैं और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कोर्ट का इस पर कहना है कि यह काफी नहीं है। माता पिता अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में ट्रांसफर करते हैं। वह एक अपेक्षा रखते हैं कि उनकी पैसों की जरूरतों के साथ उनकी इमोशनल नीड्स का भी ख्याल रखा जाएगा। इसमें बहुत छोटी छोटी जरूरतें भी आती हैं, जैसे दवाई मेडिकल स्टोर से लाना, माता पिता को इज्जत के साथ ट्रीट करना, उनके साथ रेगुलरली समय व्यतीत करना। अगर इस तरह के प्रोमिसेस को कोई इग्नोर करता है तो भी ट्रिब्यूनल इसको आधार बनाकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रद्द घोषित कर सकती है। लेकिन सुयश, क्या सेक्शन 23 सिर्फ माता पिता द्वारा किए गए ट्रांसफर पर ही लागू होता है या इसमें और कोई भी आ सकता है, क्योंकि सेक्शन 23 में सीनियर सिटीजन शब्द का भी यूज किया गया है? जी, आप एकदम सही कह रहे हैं, एंड टू फर्दर एलोबोरेट ऑन योर पॉइंट, यह प्रॉपर्टी ट्रांसफर में केवल माता पिता ही नहीं आते हैं, अगर किसी के दादा दादी या नाना नानी भी ऐसा ट्रांसफर अपने पोते पोतियों को करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को भी करते हैं जो परिवार का सदस्य नहीं है, तो वह सीनियर सिटीजन होने के नाते सेक्शन 23 का लाभ बिल्कुल ले सकते हैं, अगर उनके साथ इस तरीके की कोई भी गलत गतिविधि हो रही हो। बाद में अगर पोते पोती या अन्य व्यक्ति जिसके फेवर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है, वह यह कहता है कि अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए उस प्रॉपर्टी के, वह 20 लाख की प्रॉपर्टी थी, मैंने 5 साल में आप पर 20 लाख रुपए खर्च कर दिए और अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, इसलिए अब मैं आपका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तो ट्राइब्यूनल ऐसे आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस कानून के हिसाब से आपने अगर किसी स्पेसिफिक वादे के चलते प्रॉपर्टी अपने पक्ष में ट्रांसफर कराई है, तो फिर आपको अंत तक वह प्रॉमिस या वादा निभाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ उद्दंड और नालायक बच्चों की हरकतों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे देश के माता पिता ही अनाथ हो गए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे देश का यूथ एंड स्पेशली वृद्ध माता पिता के बच्चे इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे सीनियर सिटीजन्स और माता पिता हमारे देश की संस्कृति में देवता तुल्य होते हैं। उनका ख्याल रखना ना केवल हमारी कानूनी जिम्मेदारी है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ आज के शो को हम खत्म करते हैं। इस कानून के बाकी विषयों पर हमारे व्यूज जानने के लिए आगे हमारे शो को देखते रहिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।